بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه يا محمد وآله وسلم। दोस्तों आदाब, कैसे हैं आप? सबसे पहले आप सभी दोस्तों को हमारा सलाम। हमारी दुआ है मौला आप तमाम नाज़रीन को अपने रहमत के शाये में रखे, सलामत रखे। जी हाँ, तो दोस्तों हम एक बार फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में लेकर मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत। तो लीजिए पेश है तशव्वुफ़ की रोशनी में हुज़ूर सूफ़ी कामिल सम्मा न्याज़ी रहमतुल्लाह अलैह के क़ल्ब मुबारक से पेश की हुई रूहानियत और हकीकत तशव्वुफ़ की रोशनी। समाप्त करें मौजू काबा की हकीकत। जी हाँ दोस्तों, मौजू काबा की हकीकत। मर्ज है तो सेहत नहीं दशा, ये बात काबिल अफसोस है कि जिस तरह मुल्क अरब में मक्का के आदर्श को बादशाहों ने भुलाकर लफ्ज काबा से रिश्ता जोड़ लिया, यानी मुकाम आदमियत से हटकर आसमानी आसमान से मोहब्बत करने लगे, लिहाजा इंसानियत में दोस्ती के बजाय दुश्मनी और बदमनी बढ़ गई। गोया अपने महूर से हट गए तो ममनुआ नोटिस लगा दी, और कब्र भूले तो साथ ही सबक भी भूल गए। और मुल्क हिंद में खुर्द मक्का है जो मदीनतुल अंबिया व मदीनतुल औलिया और तख्लीक इंसानियत का मरकज है, लेकिन 14वीं सदी में उसका भी कोई जिक्र चर्चा नहीं है। यानी हिंदी मुसलमान न मक्का को जानते हैं और न खुर्द मक्का को जानते हैं कि उसकी हकीकत क्या है। इस गलतफहमी से उस पाकीजा सबक का कोई फायदा नहीं हासिल हुआ, बल्कि तासुब और नफरत बढ़ी कि इंसानों को इंसानों से ही खौफ हो रहा है। बस अगर इंसानों को ये इल्म हो जाए कि मक्का और खुर्द मक्का सारे इंसानों के लिए बाश बरकत व मगफरत है, और ये पाकीजा सबक दूर हो गया, इंसानों को इंसानियत से नफरत छूत छात हुई और इबादत गाहों के आम दाखिला पर पाबंदी और नोटिस लगाई गई। चूँकि मक्का मुअज्जमा में ममनुआ नोटिस लगाई गई है कि गैर मुस्लिम हर में काबा में नहीं दाखिल हो सकते हैं, इसलिए रहनुमाओं की ये पाबंदी काबिल अफसोस है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मज़ार मुकद्दस से औलाद आदम को ही रोकते हैं, जबकि इस्लाम रहमतुल्लिल आलमीन है, लिहाजा हर में काबा में सारे इंसानों के दाखला की आज़ादी होना चाहिए। चूँकि हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे मजहबी रहनुमा हैं जो कब्रों और मज़ारात पर फतवे जारी करते हैं कि मज़ारों पर उर्श फातिहा चादर चिरागा नहीं करना चाहिए, हालांकि वही मराशम उर्स खाना काबा में खुद भी करते हैं, सिर्फ काबा को कब्र आदम होने से इनकार करते हैं। इसलिए हज तो करते हैं मगर उसके फ़ायदे से नवाकिफ हैं, ये भी काबिल अफसोस बात है। जबकि ऐसे ऐसे रहनुमा और उनके पैरवों को इतनी भी सूझबूझ नहीं कि हज़ारों रुपये खर्च करके और तमाम दुख मुसीबत उठाकर हज को जाते हैं, क्या उन अरबी मौलिमों से इतना भी नहीं दरियाफ्त कर सकते हैं कि मौलिम साहब ज़रा बताइए ये काबा शरीफ और हिजर अस्वद क्या है, और काबा से उस काले पत्थर का क्या ताल्लुक है? जी हाँ, इतनी भी सूझबूझ नहीं, ये भी काबिल अफसोस बात है कि जबकि ऐसे ऐसे रहनुमा और उनके पैरवों को इतनी भी सूझबूझ नहीं कि हज़ारों रुपये खर्च करके और तमाम दुख मुसीबत उठाकर हज को जाते हैं, क्या उन अरबी मौलिमों से इतना भी नहीं दरियाफ्त कर सकते हैं कि मौलिम साहब ज़रा बताइए? नंबर एक, ये काबा शरीफ और हिजर अस्वद क्या है, और काबा से उस काले पत्थर का क्या ताल्लुक है? नंबर दो, एहराम पोशी का क्या मकसद है? नंबर तीन, सजदा व तवाफ का क्या मतलब है? नंबर चार, खाना काबा में ऊंचा दरवाजा क्यों लगाया गया? नंबर पाँच, छत में हंडी क्यों लटकाई गई? नंबर छः, सिर्फ सात ही चक्कर तवाफ क्यों? नंबर सात, और जुमरा पर सात ही कंकड़ियाँ क्यों? नंबर आठ, अरफा व अरफात क्यों नाम पड़ा? नंबर नौ, शफा व मरवा के दरमियान दौड़ धूप से क्या मुराद है? वगैरह वगैरह जो अरकान हज किए जाते हैं, कम अज कम उनकी हकीकत तो दरियाफ्त कर लेना चाहिए। जैसे ताजमहल आगरा देखने से पहले उसकी तवारीख, जोग्राफिया, वजह तशमिया, वजह तामीर वगैरह का मुताला कर लेते हैं, उसके बाद इश्क मोहब्बत का मुशाहिदा कर लेने के लिए आगरा पहुँच कर अपने मकसद बरारी कि हनीमून मनाते हैं, फिर हाजियों को क्या मुश्किल है कि पहले मौलिमों से काबा की हकीकत दरियाफ्त कर लेते, उसके बाद इश्क मोहब्बत में सरसार होकर हज अदा करना चाहिए? काश इतना भी न दरियाफ्त कर सकें तो उन अरबी मौलिमों के हाथ फरोख्त होकर महज तेली के बैलों की तरह कोल्हू के गिर्द घूमने रहने से क्या फ़ायदा है? जैसे बाज हिंदू भाई को देखा जाता है कि खुद गंगा स्नान करते हैं
और बार बार भर भर कर मूर्तियों पर पानी चढ़ाते हैं, जिनका विश्वास होता है कि स्नान करने से पाप कटता है और पानी चढ़ाने से देवता खुश होते हैं। तो मुसलमानों ने ये समझ लिया कि हिजर अस्वद एक काला पत्थर चूम लेने से गुनाह खत्म हो जाता है, और हिंदुओं ने ये समझ लिया कि पत्थर और मूर्ति पर जल चढ़ा देने से पाप कट जाता है। बस ये दोनों आँख कान बंद करके मजहबी लकीर के फकीर बने हुए हैं। मैं कहता हूँ दुनिया की कोई कौम भी आँख कान बंद करके तेली का बैल बन जाए बन जाएगी, बस उसका मजहबी बेड़ा गर्क ही समझिए। हालांकि वो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता रहे और कहता रहे कि मेरा बेड़ा पार हो गया। जैसे जमाना जाहिलियत में यही तो होता था कि वो सब लोग महज तेली के बैल बन गए थे, जिनको खुदगर्ज तेली उलमा उलमाए वक्त 6000 साल से काबा के गिर्द घुमाते और नचाते रहे और आवाम को सुनाते थे कि खुदा का घर है और तुम खुदा के बैल हो, चुपचाप घूमते रहो, खबरदार जुबान मत खोलना नहीं तो खुदा नाराज हो जाएगा। और बैलों के गर्दिश से वो तेली साहिबान मौज करते थे। हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन आंख मुंदे बैलों की उस मजबूरी और गुलामी पर रहम आ गया, लिहाजा आपने उनकी आंखों से तेली का डोका उतार दिया और फरमाया, देख लो ना तुम खुदा के बैल और ना वो खुदा का कुल हो, बल्कि तुम जिसकी औलाद हो ये उसका मजार मुकद्दस है। इस अजीम इनकलाबी तहरीक से कबीलों के सरदार और इब्नुल वक्त उलमा तेली हजरात लड़ने लगे कि हम खुदा के बंदे हैं और काबा खुदा का घर है, हम खुदा के घर का सजदा तवाफ करते हैं और खुदा के नाम से कुर्बानी और जिहाद करते हैं। गोया बहुत हाथ पांव मारा कि हम सब कुछ सिर्फ खुदा के लिए करते हैं, मगर हुजूर ने फरमाया कि मियां तुम सब कुछ खुदा के लिए करते हो, ये है अच्छी तरह, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मगर हकीकत से नवाकिफ होने के वजह से हर हाल में काफिर और मुशरिक हो। याददाश्त, गौरतलब बात है, जबकि वो लोग एक खुदा को मानते थे और काबा को खुदा का घर समझते थे, पैगंबर किताब कुर्बानी जिहाद खतना जन्नत व दोजख कयामत सब कुछ मानते थे, फिर भी उन्हें काफिर और मुशरिक कहा गया। बस इसका यही मतलब था कि वो लोग महज लकीर के फकीर बन गए थे, मजहबी हकीकत से नाशना थे, इसलिए कबीलों के सरदार और उलमाए वक्त के फरेब में पड़े थे। यही वजह थी कि उन खुदगर्ज लोगों लोग पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग व जदल करने लगे, क्योंकि वो खुदगर्ज तेली फौरन समझ गए कि हुजूर ने डोका उतार दिया और गुलामी की बंदिशों को काट दिया, अब हम किस तरह आवाम को अहमक बनाकर ऐशो इशरत करेंगे। बस जमाना जाहिलियत की वो कुल बातें फिर जमाना खुदगर्ज उलमा और मुतवल्लियान काबा में पाई जाती है कि आवाम को महज जन्नत की लालच और दोजख का खौफ दिला दिला कर मजहबी अहमक बनाते हैं और बेचारे लालची लोग उस लकीर के फकीर में पड़े हैं। काश आवाम हकीकत की नज़रों से देखे तो बखूबी समझ में आ सकता है कि काबा एक मजार मुकद्दस है, जहां नहायत अदब व एहतराम से सजदा तवाफ करना चाहिए, वहां किसी को भी तेली का बैल नहीं बनना चाहिए। हिजर अस्वद गुनाह नहीं खींचता है, वो तो हजरत आदम की अंगूठी का नगीना है, उससे फैज मिलता है, यानी अय्याम हज़ में हजरत आदम की यादावरी मनाई जाती है, वो कुल निशानियां हजरत आदम की यादावरी है। जैसे देखिए, नंबर एक, हजरत आदम का वो सालाना उर्स शरीफ है जिसको हज शरीफ कहा जाता है, जिसको हिंदी में बरखी या सरात कहते हैं। नंबर दो, वो मजार मुकद्दस की चादर पोशी है जिसको गिलाफ काबा कहते हैं। नंबर तीन, वो गम वो मातम की कफनी है जिसको एहराम पोशी कहा जाता है, जिसको उतरी कढ़िया बिस्तर भी कहते हैं 12 दिनों बाद उतरता है। नंबर चार, वह गुसल मजार का पानी है जिसको बंद डिब्बों में आबे जबजम कहते हैं। नंबर पाँच, वो हजरत आदम हव्वा की मुलाकात का मुकाम है जिसको अरफा व अरफात कहते हैं। नंबर छः, वो हजरत हाजरा की तिशनगी की दौड़ धूप है जिसको शफा व मरवा के शई कहते हैं। नंबर सात, वो हजरत इस्माइल के कदम का मुअज्जज़ा है जिसको चश्मा जमजम कहते हैं। नंबर आठ, वो हजरत इब्राहिम के ख्वाब की ताबीर है जिसको वक्फ कुर्बानी कहा जाता है। नंबर नौ, वो तौहीद व मार्फत का नमूना है जिसको सजदा व तवाफ कहा जाता है। नंबर दस, वो इंसानी बरादरी का नमूना है जिसको हज का इस्तमा कहा जाता है। नंबर ग्यारह, वो हजरत आदम की अंगुस्तरी का नगीना है जिसको हिजर अश्वद श्याह पत्थर कहा जाता है। नंबर 12, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है जिसको फर्ज कहा जाता है। आप जरा नहायत संजीदगी से सोचिए कि हज काबा में इब्तदा से इंतहा तक कुल निशानी हजरत आदम की उर्स मुबारक की है, इसमें खुदा की कोई निशानी नहीं है। हाँ, अगर ये तस्लीम कर लिया जाए कि आदम मजहर खुदा है,
तो काबा भी खुदा का घर है और कुल निशानियां खुदावंद करीम की साबित होगी। जी हां नाज़रीन, कुल निशानियां खुदावंद करीम की साबित होगी। जी हां, तो दोस्तों अब हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई रोशनी लेकर। जी हां, तो दोस्तों जाते जाते आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आप हमारी इस मोहम्मदी रोशनी को तमाम इंसानियत में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे तमाम वीडियोस को अल्लाह के वास्ते लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। जी हाँ, तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई रोशनी लेकर। तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को अल्लाह हाफिज़। आदाब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।